ये जो अर्बन एरिया होता है ना, जहाँ पे आबादी वगैरह होती है, इसमें ये जो 225 स्क्वायर फीट इस्तेमाल होता है, और जो 272 स्क्वायर फीट है ना, ये जो रूरल एरियाज होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, इनमें इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर लैंड्स है ना, जहाँ पे अभी तक लोग एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अभी भी 272 स्क्वायर फीट का मरला ही इस्तेमाल होता है। We know the value of your property. The first real estate channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं अशर ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं वैल्यू टीवी डिजिटल चैनल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लाहौर शहर में एक मल्ले के लिए 225 स्क्वायर फीट भी इस्तेमाल हो रहा है और 272 स्क्वायर फीट भी एक मल्ले में इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा क्यों है और 225 स्क्वायर फीट और 272 स्क्वायर फीट में क्या फ़र्क है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इस हवाले से हमें बताने के लिए ज्वाइन किया है दिशान लियाकत साहब ने। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिशान साहब। वालेकुम सलाम। दिशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि 225 स्क्वायर फीट और 272 स्क्वायर फीट एक ही मरले के लिए इस्तेमाल हो रहा है लाहौर शहर में, इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे और ऐसा क्यों है? बेसिकली जो 225 स्क्वायर फीट है ना, ये जो अर्बन एरिया होता है ना, जहाँ पे आबादी वगैरह होती है, इसमें ये जो 225 स्क्वायर फीट इस्तेमाल होता है, और जो 272 स्क्वायर फीट है ना, ये जो रूरल एरियाज होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं, इनमें इस्तेमाल होता है। इसमें यही है बेसिकली, मरला 272 स्क्वायर फीट का ही है, लेकिन जहाँ पे अर्बन एरियाज आते हैं ना, वहाँ पे जो कॉरपोरेशन है ना, वो 272 में से ना जो अपने स्क्वायर फीट काट लेती ना सड़कों वगैरह के लिए या रास्ता जात गलियों वगैरह के लिए, उसमें वो कट करके तो जो बकाया बचता ना, वो 225 स्क्वायर फीट का वो यूज़ करती हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड्स है ना, जहाँ पे अभी तक लोग एग्रीकल्चर के लिए ज़मीनों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे अभी भी 272 स्क्वायर फीट का मरला ही इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ यही है कि 272 स्क्वायर फीट में जो ज़मीन है वो आपको ज़्यादा मिलती है, 225 स्क्वायर फीट में मरला कम हो जाता है। इसमें डिफरेंस बस यही आता है, उसके नुकसान यही है कि आप जो है ना, वो 272 स्क्वायर फीट में आपके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, 225 स्क्वायर फीट में कम होती है। मुझे ये बताइएगा कि इसकी फ़ीस पे भी कोई फ़र्क पड़ता है जब इसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाते हैं तो 225 स्क्वायर फीट और 272 स्क्वायर फीट, जैसे ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है? ज़ाहिर है कि जब आप DC वैल्यू उसके ऊपर उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, जो गवर्नमेंट ने एक DC वैल्यू निकाली हुई है कि मरले के हिसाब से ये रेट होते हैं, उसमें अगर आप 225 स्क्वायर फीट में जाएंगे तो वो 272 स्क्वायर फीट उसमें ज़्यादा होते हैं और 225 में कम होती हैं। इसलिए जब आप उसको अकाउंट करते हैं ना पूरे को, तो वो अगर 5 मरले की रजिस्ट्री है, वो 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से उसमें काउंट होगी, वो तकरीबन 6 मरले 6.5 मरले के करीब चले जाएगा। लेकिन अगर 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से करवाएंगे तो वो 5 मरले के हिसाब से ही होगा। स्टैंडर्ड रेट जो इसका ना, वो 225 स्क्वायर फीट ही है। जो स्टैंडर्ड रेट है 225 स्क्वायर फीट है, तो क्या 272 स्क्वायर फीट के ऊपर हुकूमत कोई इसके ऊपर हमें तंग तो नहीं करती है? हुकूमत के कोई जो कवानीन है उसके खिलाफ तो नहीं है? नहीं, इसमें कवानीन के आप खिलाफ तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ लोग ये करते हैं कि टैक्सेस को बचाने के लिए वो अर्बन एरिया की जगह पे वो उसके एग्रीकल्चर लैंड शो कर देते हैं, उसमें फिर टैक्सेस गेन टैक्स हो गया या विदहोल्डिंग टैक्स हो गया, वो चार्ज नहीं होते उसमें, यही गवर्नमेंट को नुकसान होता है, लेकिन वो 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही अर्बन एरिया में चलता है। जी दिशान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे दिशान लियाकत साहब, जो हमें आगाह कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि ये 225 स्क्वायर फीट और 272 स्क्वायर फीट मरला लाहौर शहर में क्यों इस्तेमाल होता है और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अशर ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। We know the value of your property. The first real estate channel.